नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिनभर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के संहार के उपलक्ष में देवों द्वारा स्वर्ग में मनाई गई दीपावली को देव दीपावली का पर्व काशी में अपनी पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया गया। काशी में देव दीपावली में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य राज्य मंत्री और दर्जनों वीवीआईपी और देश विदेश के पर्यटक देव दीपावली देखने पहुंचे। लगभग 5 घंटे काशी प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति ने 90 करोड़ से तैयार नमो घाट का लोकार्पण किया। घाट पर दीपक जलाकर महापर्व देव दीपावली का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने अलौकिक रोशनी में गोता लगा रहे गंगा घाटों की छठा को निहारा। वर्ष के अंदर हम सब भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है और उसका साक्षात अनुभव अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह काशीवासी। उसके सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने नए भारत के बदलते हुए स्वरूप में इस नई काशी का दर्शन भी किया है। जो काशी अपनी पुरातन परंपराओं की विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने है। आज काशी विश्वनाथ धाम हो, काशी के पवित्र तीर्थ स्थल हो, पवित्र तीर्थों, काशी से में जुड़ी हुई मां गंगा की इस पवित्र धारा को देख करके ही कितना परिवर्तन हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले यहां पर गंगा जी का जल आचमन तो दूर, स्नान के लायक भी विशेषज्ञ नहीं ठहराते थे। कहते थे कि नहीं, खतरनाक लेवल तक प्रदूषण पहुंच चुका है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां गंगा की अविरलता और निर्मलता न केवल स्नान के लिए बल्कि अब आचमन भी हम गंगा जल का काशी में कर सकते हैं। यह सौभाग्य भी हमारी इस विरासत को प्राप्त हुआ है। आज से 5 वर्ष पहले तक काशी में काशी विश्वनाथ धाम की क्या स्थिति थी और वहां पर एक साथ 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब काशी में एक साथ अगर आप काशी को देखेंगे तो काशी विश्वनाथ धाम में एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आप पहुंच जाएं तो आसानी से दर्शन कर सकते हैं और सावन के महीनों में प्रमुख पर्व और त्योहारों में यह संख्या लाखों में पहुंचती है। सुगम दर्शन भी है, आध्यात्मिक अनुभव भी है और काशी को न केवल अपनी विरासत के साथ बल्कि विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ते हुए आज एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में काशीवासियों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। काशी में अनगिनत कार्य हुए हैं। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो, देश का पहला वाटरवे जो काशी से ही हल्दिया तक जा रहा है इसी घाट के बगल में कुछ ही दूरी पर ये यहां से वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ हो जाता है और इसके साथ ही काशी ने यहां की सड़कों के चौड़ीकरण को भी देखा है। पहले काशी अपने घाटों की गंदगी के कारण, काशी की संकरी गलियों के कारण जाना जाता था, लेकिन आज काशी की पहचान काशी के स्वच्छ और सुंदर घाट दे रहे हैं, काशी के धाम दे रहे हैं, काशी की चौड़ी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें दे रही हैं, काशी की ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रही है और काशी का
इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज काशी को एक नई पहचान दे रहा है। उन स्थितियों में ये देश के सबसे बड़े घाट का, जिसे नमो घाट के रूप में यहां पर संबोधित किया जा रहा है, काशीवासी और देश के आम जन के मुंह से इस घाट के बारे में नाम निकलता है कि नरेंद्र मोदी घाट, यानी मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके नमो घाट का जो भव्य स्वरूप बना है, सबसे बड़ा घाट। और एक घाट ही नहीं है, यानी स्नान घाट भी है। इसी घाट के ऊपर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि माननीय पुरी जी बोल रहे थे, एक घाट के बनने के पहले पूरा क्षेत्र कच्चा था, गंदगी थी, अंधेरा रहता था, लोग आने से डरते थे, लेकिन अब सबसे सुंदर घाट, सबसे बड़ा घाट, सबसे लंबा घाट, इसमें कार्यक्रम भी होंगे। इससे पहले भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं, G20 के अनेक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं। तो यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे यहां पर सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। और इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर रैली करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर वार किए। रैली में अखिलेश ने फौज भर्ती से लेकर किसानों को हो रही खाद की समस्याओं के ऊपर सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। ये 2014 में ये सोने से लेकर के और चीजों की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? महंगाई बढ़ा दी, और ये महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीजेपी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं। याद रखना, जब ये लोग मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, और बीजेपी के लोग जानबूझ करके अपने उद्योगपति मित्रों को ये ज्यादा मुनाफा कमाना देने का मौका दे रहे हैं, इसीलिए आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई का सामना इसीलिए, जहां एक तरफ किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों को हम जानते हैं सड़कों पर दौड़ करके वो तैयारी करते थे अपनी भर्ती की। हजारों की संख्या में नौजवान सवेरे उठ करके खेतों से लेकर के सड़कों पर दौड़ा करते थे। हमने वो समय भी देखा है कि अगर पक्की सड़क है, ट्रैफिक है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था, तब भी सड़क पर वो तैयारी करता था फौज में भर्ती के लेकर के। लेकिन आज फौज की भर्ती जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो रही है। हम अपने तमाम नौजवानों से कहकर के जा रहे हैं, लोकसभा में भी कहा आपसे, और जिन साथियों ने लोकसभा में सुना होगा वो लोग भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे नौजवानों ने तो पढ़ा होगा, उन्हें जानकारी भी होगी, वो इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार का खजाना ज्यादा ना लग जाए, हमारा बजट ज्यादा ना लग जाए, इसलिए बजट की कटौती कर रहे हैं। सोचिए, जो लोग देश की सुरक्षा की सीमाओं पर जो हमारा नौजवान खड़ा होता है, इसलिए भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें बजट कट करना है। हम ऐसी सरकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए, अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौजी की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कराएंगे। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं, समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। हमारा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो कम पैसे में नौजवानों को रोजगार दे देंगे, इसलिए जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तमाम पढ़े लिखे नौजवान
जिन्हें अधिकारी बनने का मौका मिलना था वो धरने पर बैठ गए और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो आधी मांगे स्वीकार की हैं। आप याद रखना, यही सरकार है जिसने अभी आधा फैसला बदला है। ये नौजवान जब सड़कों पर आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी। उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने मुसलमानों की तुलना तेजपत्ते से करते हुए कहा कि मुसलमानों की हालत बिरयानी के तेजपत्ते जैसी हो गई, सभी पार्टियां इस्तेमाल करके निकालकर बाहर फेंक देती हैं। उन्होंने कहा कि बिरयानी मुसलमानों के बिना नहीं बन सकती। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप लोग समाजवादी पार्टी से अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी को प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने आपको तेजपत्ता समझ रखा है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम आगे चलिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी ने आपके वोट से सरकार बनाई लेकिन आपको कुछ नहीं दिया। मसाले में क्या क्या लाते हैं? मसाले में लाते हैं बड़ी इलायची लाएंगे, दालचीनी लाएंगे, काली मिर्च लाएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे बोलना भैया, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? सारे मसाले ले आएंगे, नमक भी ले आएंगे, लेकिन एक मसाला जरूर लाएंगे, तेज पत्ता जरूर लाने का काम करेंगे। बोलो लाएंगे कि नहीं लाएंगे तेज पत्ता? बोलो लाएंगे कि तेज पत्ता नहीं लाएंगे? लाएंगे तेज पत्ता। अब बिरयानी पकने के लिए चढ़ा दी, मसाले डाल दिए, तेज पत्ता भी डाल दिया, बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी? बोलो भैया, बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी बनेगी? बोलो जरा, बनेगी नहीं बनेगी? अब हमने प्लेट में तरस दिया, बिरयानी पर गई है। अब आपने खाना शुरू किया, सबसे पहले क्या करेंगे? बिरयानी के पत्ते को चाट करके अलग रख देंगे कि नहीं बताना जरा? बोलो भैया, तेज पत्ते को चाट करके बिरयानी से अलग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बोलो भैया, बोलो ना भाई। काली मिर्च आ गई तो उसे चबा लिया, दालचीनी आ गई तो चूस के रख दिया, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। देखिए बिरयानी आपके बगैर नहीं बनी, सरकार आपके बगैर नहीं बनी, वोट आपने दिया, वोट की ताकत आपकी है। अगर समाजवादी पार्टी से आप अलग हो जाओ तो समाजवादी पार्टी टके की तीन पार्टी हो जाएगी, उसको प्रदेश और देश में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप सोचो, जैसे बिरयानी से तेज पत्ता निकाल दिया जाए तो तेज पत्ते का कोई स्वाद बिरयानी को नहीं मिलेगा, बिरयानी एकदम बेकार लगेगी। लगेगी नहीं लगेगी बताना? अब फिर आपको तेज पत्ता समझ रखा समाजवादी पार्टी ने, जब सरकार बना ली तो आप देखिए ओहदे जब बढ़ते हैं तो आपका उसमें कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए मैं मित्रों दोस्तों आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, एक बार आप रामवीर सिंह को जिताओ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचो। तो वहीं झारखंड के बोकारो पहुंचे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह अरबपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है, इनका काम आपका धन आपसे छीनने का है, जीएसटी जितना आप देते हो उतना अडानी देता है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। यह उनका नहीं है, यह आपका है। यह धन जो है, यह जंगल जो है, यह जमीन जो है, जल जो है, कोयला जो है, यह आपका है। ये इसमें लिखा है, संविधान में लिखा है, इसीलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये बिरसा मुंडा जी अंबेडकर जी का सपना खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है हर व्यक्ति एक जैसा है, हर जात, हर धर्म, हर प्रदेश, हर भाषा की इज्जत होनी चाहिए, इसमें लिखा है। युवाओं को नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बना दिया, नोटबंदी की, जीएसटी, गलत जीएसटी लगा दी,
पता लगा हिंदुस्तान में रोजगार पैदा ही नहीं होता है, अरबपति चाइना का माल उठा के आपको बेचते हैं। हम चाहते हैं मेड इन झारखंड हो, मेड इन बोकारो हो, मेड इन इंडिया हो। दिखते प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, अडानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अडानी अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, बंबई में धारावी की जमीन है, सोने से भी ज्यादा कीमती है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है अदानी जी को दी जा रही है। देश का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दिया जाता है। कुछ समय में आपका जो स्टील प्लांट है ये भी उठा के दे देंगे, सारे के सारे प्लांट्स प्राइवेटाइज करते हैं, शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, इंडस्ट्री प्राइवेटाइज कर दी, और फिर यहां पे जो आपको पहले मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था, उसको भी 14% तक घटा दिया है। 27% पिछड़े वर्ग को मिलता था और उनकी सरकार ने 14% कर दिया है। तो कैसे ओबीसी की सरकार है ये अरबपतियों की सरकार है? वहीं झारखंड में वोटों की गणित को सच करने के लिए सभी पार्टियां आखिरी बार जोर आजमाइश करने में लगी हुई। झारखंड के रण का अब बस आखिरी मुकाबला बचा है और यह आखिरी मुकाबला ही निर्णायक होगा। इस अंतिम बाजी को जीतने के लिए बीजेपी ने बिरसा मुंडा पर दाव चलकर अपना हुकुम का इक्का खेल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जमुई तो गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ऐसी राजनीतिक पिच अपसेट कर दी है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तो चुनावी मौसम ने झारखंड के सियासी मिजाज को भाग, बीजेपी के दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने झारखंड सियासत को साथ लिया है। आदिवासी वोट की लड़ाई में बीजेपी झारखंड की चुनावी पुच पर सियासी दांवपेच आजमा रही है। अब बिहार और दिल्ली से भी आदिवासी लैंड को साधने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती पर बड़ा आयोजन किया। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे, तब बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के उलिहातू पहुंचे थे। उलिहातू बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है और प्रधानमंत्री मोदी का खिताब कारगर साबित हुआ और बीजेपी ने राजस्थान की जंग जीत ली। हमारे विचारों के मूल में आदिवासी समाज के सिखाए संस्कार है, इसलिए मैं प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूं। आदिवासी समाज सूर्य और वायु को, पेड़ पौधों को पूजने वाला समाज है। मैं इस पावन दिवस पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। जिस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जीतने की संभावनाएं तमाम रिपोर्ट्स में जताई जा रही थी, उन राज्यों में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बना लिया। बीजेपी इस बार झारखंड जीतने के लिए भी उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और पड़ोसी राज्य की जमीन से आदिवासी लैंड को साधने की कवायद में जुटी है। यानी आदिवासी अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक के जरिए आदिवासी पिच सेट करने की कोशिश बीजेपी में दिखाई दे रही है और ऐसे में बीजेपी की यह रणनीति क्या कारगर साबित होगी, क्योंकि इसे वोट बैंक के सहारे हेमंत सोरेन ने 5 साल सत्ता के सिंहासन पर राज किया है। ऐसे में बहुत सवाल ये है कि प्रतीकों की राजनीति में माहिर प्रधानमंत्री मोदी
और अमित शाह की जोड़ी इस बार बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से सरकार बना पाएंगे या फिर हेमंत बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 6640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की और प्रधानमंत्री जनमन के तहत बने 11,000 जनजातीय आवासों के गृह प्रवेश में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिरसा मुंडा की स्मृति में विशेष सिक्के और डाक टिकट का भी अनावरण किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर यह दोहराते हुए कहा कि अब हम एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए करतल ध्वनि के साथ, और इस जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने 6640 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए एक एक काम कर रहे हैं और बिहार की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सुनिए नीतीश कुमार ने यानी बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। मान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं, इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था, और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था।
तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उसमें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में बहुत दिनों के कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। और तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसका असर चुनाव में भी दिखा और बीजेपी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आने में कामयाब रही। इस नारे की सफलता के बाद से ही बीजेपी के छोटे से लेकर बड़े सभी नेताओं ने इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। सीएम योगी का यह बयान इतना फेमस हो चुका है कि इसका असर पड़ोसी राज्य बिहार में भी देखने के लिए मिल रहा है। इस नारे पर आरजेडी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, यह तो मवालियों की भाषा है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी कार्यालय के बाहर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के जवाब में एक पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। यह पोस्टर आरजेडी के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने लगाया। तो खबर दिनभर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।